हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज है मंडे एंड राइट नाउ टाइम इज 7:30। वी आर एट वॉलमार्ट। बहुत ज़रूरी थी ग्रॉसरी करनी, हम वीकेंड्स पिक कर नहीं पाए, सो दैट्स वाई अभी आए हैं। एंड मैं दाल बना कर आई हूँ क्योंकि घर जाएंगे, फुलके बनाने हैं मुझे, कल के बच्चों की स्नैक की तैयारी करनी है एंड ग्रॉसरी ऑलमोस्ट ख़त्म थी, तो क्या पैक करती है ना। सो दैट्स वाई मैं आज आई हूँ। लाइफ इतनी बिजी हो गई है, मैं आपको क्या बताऊँ। जॉब, इतने सारे काम, बच्चों को हैंडल करना, और मैं मेरे साथ ही है, शी इज़ माई प्रिंसेस। ये जो शूज़ है ना, ये क्रिसमस की वजह से यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर आ रहा होता ना, पक्का बोलता मुझे लेने हैं, मुझे लेने हैं। बहुत ज़िद्द करता लेने के लिए, हम उसको लेके नहीं आए हैं, अपने फ्रेंड के पास गया हुआ था। ये देख लिया नाया को, इट हैज़ पिज़्ज़ा। यू वांट दैट? ये ना मुझे नाया के लिए बड़ी प्यारी लग रही है, बट अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे ना ये अच्छी लग रही है नाया के लिए, ये ले लेते हैं। डे केयर जाती है ना, फिर नाया को चाहिए होते हैं कपड़े। सिक्स ग्राम शुगर, इधर देखती हूँ, शुगर 5 ग्राम। नाउ आई हैव टू गेट द चीज़। यस यस, या स्लाइसेस आल्सो, या या या। नाउ टाइम टू गेट चिप्स। आई लाइक दिस वन। फैंटा? फैंटा फिर भी ठीक है। पॉपकॉर्न्स, मैगी, 50-50 बिस्किट्स, दिस वन, धनिया, दीज कुकीज। शर्मा जी पता नहीं क्या लेने जा रहे हैं। राइस, क्यूकम्बर्स, यस वी नीड अनियन एंड वी नीड पोटैटोज टू, आलू। ये सारा बेकरी का स्टफ है बट ये नहीं चाहिए। वैसे मुझे बनाना ब्रेड बहुत अच्छी लगती है बट मीठा होगा इसमें। बच्चों के स्नैक के लिए क्या दूँ, सुबह ये ही सोच लगी रहती है मुझे, कुछ नहीं दिख रहा। क्रोसांट ले ली मैंने, बेस या एप्पल्स। लेते हैं हम आटा, कितने का लगा हुआ है आटा? 2। चलिए जी, कार्ट पूरा हो गया है फुल, अनाया है बिजी कार्टून्स देखने में। आज तो अच्छा खासा बिल बनेगा। चलिए जी, ग्रॉसरी आ गई है सारी हमारी। इस बार काफ़ी सामान था जो वो लाने वाला था, अच्छा खासा बिल बन गया है। अभी हम डलवा रहे हैं गैस। वैसे मुझे कल स्कूल से आते वक्त डलवानी थी बट बहुत रश होता है जब मैं आती हूँ ना,
तो फिर मैंने सोचा कि अभी डलवा लेती हूँ। शर्मा जी भी अग्री हो गए, सो यस अभी मेरी गाड़ी फुल हो जाएगी। 145.9, नॉट बैड। Naya said, I wanna play. Where you wanna play, Naya? I want to eat food everywhere. बस एक गाड़ी है हमारे आगे। पापा is coming. पापा. पापा's परी? पापा's toilet. शर्मा जी जा रहे हैं payment करने। चलिए जी ये काम भी हो गया है डन। हेलो इतनी सारी चेंज। राइट नाउ टाइम इज 8:44। हम अभी घर आए हैं। सबसे पहला काम तो किया है, जो सारा सामान लेके आए थे वो लगाया जल्दी से झट से। आरव ने मेरी बहुत हेल्प किया है, मुझे वो काम बोरिंग लगता है तो मैं झट से कर दिया कि मुझे सोचने का टाइम भी ना मिले कि मुझे ये लगाना है सामान। दाल मैं बनाकर गई थी, बस मैं अब फुलके बनाऊंगी एंड सुबह के स्नैक की तैयारी करनी है। मैं आटा निकाल लेती हूँ। इधर आरव को मैंने बोला कि स्नैक्स कट करो मेरे लिए भी, अपने लिए भी, है ना आरव? आरव को मैं साथ ज़रूर लगा लेती हूँ, उससे ये भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है एंड मेरा भी काम आसान हो जाता है, मेरी हेल्प हो जाती है। ये है ब्लूबेरीज़, मैं सुबह ओट्स खाती हूँ तो उसके लिए पहले ही अभी मैं रख देती हूँ। आज मुझे ना ओट मिल्क नहीं मिला, मैंने सोया मिल्क लिया है। जो ओट मिल्क था वो शुगर वाला था एंड मुझे शुगर वाला नहीं लेना होता, सो या इसमें भिगो देती हूँ। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। जी हैं चिया सीड्स। मिल्क ओपन करते हैं। ये है सोया मिल्क। ओ मैं सो गया, चलो कोई बात नहीं। अब जाएंगी इसमें ब्लूबेरीज। अब इसमें मैं डालूंगी पम्पकिन सीड्स। अब लेते हैं ओट्स। वाओ आरव गुड जॉब। सो मैंने इसमें थोड़े से डाले हैं बादाम एंड मैंने इसमें डाले हैं अखरोट। तो मैं अभी बस ये रख देती हूँ फ्रिज में। दिस इज़ माई बेस्ट टेस्ट ब्रेकफास्ट। तो चलिए जी ये काम हो गया। स्नैक मैंने काट ली है, मैं ना 5 मिनट बैठती हूँ, सिर चक्कर आने लग गया। सुबह से उठी हूँ, लगातार काम कर करके बंदा थक जाता है। अभी बैठती हूँ, अभी मैंने चेंज नहीं किया। अनाया को तो चेंज करवा दिया, खुद नहीं किया है। ओके ये देखिए, पानी पीने के लिए मांगा था आया ने, यहाँ पे खेल रही थी, मैस कर दिया। तो फालतू के काम बढ़ा देते हैं बच्चे ना मेरा। अभी मुझे ये भी क्लीन करना है। ओके लाइफ बहुत बिजी है पर अच्छा लगता है, फालतू कुछ चीज़ें सोचने का टाइम नहीं होता। पर हाँ बस अभी मुझे ये कि स्नैक कट हो गए हैं एंड बस फुलके बनाने हैं, वो मैं झट से बना दूँगी, डिशेज हो जाएंगी, देन मैं फ्री हो जाऊंगी। फ्री तो नहीं होंगी, फिर बहुत सारे काम अभी हैं। बच्चों के सुबह के कपड़े मैं पहले ही रात को निकाल के रख देती हूँ, छोटे छोटे काम, ताकि मुझे सुबह बर्डन ना हो, क्योंकि सुबह को भी फिर मतलब ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, सारा कुछ है ना, पैकिंग करना, बच्चों को नहलाना धुलाना, मेरा खुद को मुझे रेडी होना, तो बहुत टाइम लग जाता है। एंड अभी ठंड हो गई है तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है, टेम्परेचर नोट करना ही पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू वेदर मुझे कौन कौन से बच्चों को कपड़े डालने हैं। मतलब जो स्वेटर होता है वो मैं अकॉर्डिंग टू वेदर ही डालती हूँ एंड या एंड आज है मंडे, माता रानी का दूसरा नवरात्रा है। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत से लोगों ने नवरात्रे रखे भी होंगे, मैं बता देती हूँ मैंने नहीं रखा, बिकॉज इतना बिजी स्केड्यूल है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ ना खाऊं, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की बच्चों की मुझ पर है। हाँ शर्मा जी अपने हिस्से का काम करते हैं,
जॉब के साथ सब कुछ मैनेज करना, वो भी बिना खाए पिए, डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए जी, बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, फिर चेंज करूँगी एंड फुलके बनाऊँगी। तो चलिए जी, मिलते हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई ब्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।